बुद्धिमान पिता के चार मूर्ख बेटे, और आगे देखें हंसी से लोटपोट कर देने वाली चारों भाइयों की मूर्खता की कहानी। एक गांव में एक श्यामलाल नाम का व्यक्ति रहा करता। श्यामलाल बहुत ही बुद्धिमान था। पूरे गांव में जब भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी रहती, वह अपनी समस्या के समाधान के लिए श्यामलाल के पास आता और श्यामलाल अपनी चतुराई से तुरंत ही उसकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर देता। श्यामलाल के परिवार में केवल उसके चार बेटे ही थे। एक तरफ श्यामलाल जितना बुद्धिमान था, वहीं दूसरी ओर उसके चारों बेटे उतने ही मूर्ख थे। श्यामलाल का पहला बेटा टोलू प्रसाद। अरे ये क्या, ये मगरमच्छ तो पानी में डूब रहा है, कहीं ये पानी में डूबकर मर ना जाए, मुझे इसे बचाना चाहिए। आ, आ, बचाओ। श्यामलाल का दूसरा बेटा मोलू प्रसाद। अरे ये कुत्ते की पूंछ तो बार बार मुड़ जा रही है, लगता है खराब हो चुकी है, अब तो ये किसी काम की ही नहीं, मैं इसे काट ही देता हूँ। श्यामलाल का तीसरा बेटा भोलू प्रसाद। मैंने तो पैसों का ही पेड़ लगा लिया, अब तो मेरे पास पैसे की कोई कमी ही नहीं रहेगी, इस पेड़ में रोज पैसे फरेंगे। अरे क्या बात है। श्यामलाल का चौथा बेटा जो बचपन से ही बहुत ही काला था, इसीलिए उसका नाम कल्लू प्रसाद है। अरे पिताजी ने इतनी मेहनत से पौधा लगाया है, मैं इसे बारिश में नहीं भीगने दूंगा। श्यामलाल के चारों बेटे एक से बढ़कर एक थे। वह दिन भर इधर उधर घूमते रहते और काम का नाम सुनते ही जैसे उन्हें बुखार ही आ जाता। वह हर काम को हमेशा एक दूसरे पर ही टालते रहते। तुम चारों जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जरा काम से गांव के बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। इस आम के पेड़ के सारे आम पक चुके हैं, मेरे आते तक इन सभी आमों को तोड़ कर रखना, मैं कल बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा। चलो चलो, पिताजी ने आम तोड़ने के लिए कहा है, तुम सब झट से पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं नीचे खड़े होकर आम झेलूंगा और उसे बोरी में भरूंगा। नहीं नहीं, हम सब तो आपसे छोटे हैं भैया, आप हमसे बड़े हो, इसीलिए पेड़ पर आप चढ़ो, हम चारों मिलकर नीचे आम को बोरियों में भरेंगे। यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, वरना उसे चोट लग जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम इस पेड़ को काट देते हैं, पेड़ के गिरते ही हम सारे आम आसानी से तोड़ पाएंगे। चारों भाई मिलकर उस आम के पेड़ को ही काट देते हैं और आम तोड़ने लगते हैं। अरे ये क्या, ये पेड़ किसने काटा? पिताजी ये पेड़ बहुत बड़ा है और पेड़ से गिरने के डर से हम में से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम चारों भाइयों ने इस पेड़ को ही काट दिया ताकि हम सारे आम आसानी से तोड़ सकें। हे भगवान, मेरे इन नालायक बेटों को कब अकल आएगी। पिताजी आज ईद है, हम भी सिवैया खाना चाहते हैं, क्या आप हमारे लिए सिवैया बना देंगे? ठीक है, अगर तुम सभी सिवैया की खीर खाना चाहते हो तो मैं आज तुम्हारे लिए सिवैया की ही खीर बनाऊंगा। बेटा मैंने तुम सब के लिए सिवैया बना दी है, लेकिन आज घर में शक्कर खत्म हो गई है, इसमें शक्कर लाकर डाल लेना और सभी मिलकर खा लेना, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं। अरे वाह, पिताजी ने क्या सिवैया बनाई है, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे लेकिन इसमें तो शक्कर डालनी अभी बाकी है। मोलू जाओ, जाकर शक्कर लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। भोलू तुम जाओ और जाकर शक्कर लेकर आओ। नहीं,
मैं दुकान नहीं जाऊंगा, दुकान बहुत दूर है, आप ही जाओ। तुम सब के सब कामचोर हो, अपने भाई का कहना भी नहीं मानते। हाँ? हमें काम करते हैं, हम सब मिलकर स्टेच्यू खेलते हैं, जो पहले हिला और जिसके मुंह से पहले आवाज आई वही जाकर शक्कर लेकर आएगा। हाँ? सभी लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं कि अचानक घर में कुत्ता घुस जाता है और देखते ही देखते वह सारी सिवैया खाकर चट कर जाता है। सिवैया खाने के बाद कुत्ता सोचता है कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए, इसलिए वह जाकर कालू को चेक करता है। बचाओ। तुमने पहले बोला, जाओ जाकर शक्कर लेकर आओ। शक्कर तो अब तुम्हें ही लाना होगा। लेकिन अब शक्कर लाकर क्या करेंगे, हमारी खीर तो सारी कुत्ते चाट कर खा गए। एक दिन चारों भाई जंगल की ओर घूमने जाते हैं कि अचानक उनके सामने शेर आ जाता है। चारों भाई शेर को देखते ही वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और घर आते हैं। बाप रे बाप, कितना खतरनाक शेर था। हाँ भैया, अच्छा हुआ हम बच गए, नहीं तो हमें शेर खा लेता। हम एक बार गिनती कर लेते हैं, कहीं कोई कम तो नहीं है। हाँ? एक, दो, तीन। भैया हम में से किसी एक को शेर ने खा लिया, हमारा एक भाई कम है। तुम सबके सब गधे हो, तुम लोगों को गिनती नहीं आती। मैं गिनती करता हूँ, एक, दो, तीन। अरे हाँ, हम गए तो चार थे लेकिन वापस तीन ही आए हैं। लगता है हम में से किसी एक को शेर ने खा लिया, अब पिताजी आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। पिताजी, हम जंगल गए थे, वहां हमारे एक भाई को शेर ने खा लिया, हमने गिनती की तो उसमें से एक भाई कम है। घबराओ नहीं, मैं गिनती करता हूं, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ। एक, दो, तीन, चार। देखा, तुम तो चारों की चारों हो, दरअसल गिनती करते समय तुम अपने आप को नहीं गिन रहे थे, समझे। अच्छा हुआ पिताजी आप आ गए, वरना हम सब भाई तो डर ही गए थे। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ काम से गांव के बाहर जा रहा हूँ, तुम सभी अपना ध्यान रखना। मैंने तुम सबके लिए खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, और अगर रात हो जाए तो बगल वाले कमरे में बिस्तर भी बिछा दिया है, सो जाना, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। चारों भाई खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते हैं और बाहर मौसम खराब होने के कारण बारिश होने लगती है। बारिश तो बहुत जोर से हो रही है, लगता है पिताजी आज घर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर पिताजी नहीं आए तो सुबह की चाय और नाश्ता हमें कौन बना कर देगा। चारों भाई लेटकर आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक कमरे में सांप आ जाता है और वह मोनू के सीने पर बैठ जाता है। सांप, मुझे बचाओ, इस सांप को मेरे ऊपर से हटाओ जल्दी। अरे कोई तो मदद करो रे। नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है सांप बिच्छुओं से, उसने अगर मुझे काट लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हाँ? भाई सांप तेरे ऊपर बैठा है, अब तू ही कुछ कर। अरे कोई बचा लो रे, मैं मर जाऊंगा। भोलू कालू तुम ही कुछ करो रे। अरे नहीं भैया, हम तो आपसे छोटे हैं, हमें तो वैसे ही सांप से डर लगता है। जब आप दोनों हमसे बड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहे तो हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें तो वैसे ही सांप बिच्छुओं से डर लगता है, भला हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। हाँ?
इतने में अचानक श्यामलाल वहां आ जाता है और मोनू के सीने पर सांप को बैठा देख घबरा जाता है और तुरंत वह उस सांप को लाठी से घर के बाहर निकाल देता है। बेटा टोलू प्रसाद, तुम इन सबके बड़े भाई हो, अगर मोनू की जान खतरे में थी तो तुम्हें उसकी मदद करना था। तुम अगर उसकी मदद करते तो उसे खुशी होती। तुम चार चार भाई होकर अपने एक भाई की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम फिर किस काम के हो? यह दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं ईश्वर को प्यारा हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब आलस से छोड़ दूंगा और हमेशा अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा और हर काम में सबसे आगे रहूंगा। हाँ हाँ पिताजी, हम एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। पिताजी, अब हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।